दोस्तों, फिल्मी चाची में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको ले चलते हैं सरलीन चोपड़ा के पास। जी हां, सरलीन चोपड़ा एक नए अवतार में नजर आएगी। हम आपको बता दें कि सरलीन चोपड़ा एक महारानी स्नेहलता का किरदार निभा रही है। क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्चुअली 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था और कोकिलाबेन के जो सबसे सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई चांस नहीं है बचने का। और मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा कि प्लीज़ देखिए, मैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी कहाँ से लेकर आऊँ, मेरी फैमिली को मुझसे उतना प्यार नहीं है कि वो मुझको अपनी किडनी दे दें। तो मैंने कहा प्लीज़ आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और दवा और दुआ से मात्र 3 महीनों में मेरी जो कंडीशन थी किडनी फेलियर की, वो रिवर्स हो गई। तो मेरे ख्याल से जब इंसान मौत के मुंह से बाहर निकलता है, तब उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। यानी ये रिजेक्शन, फेलियर, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। तो जब पुनर्जन्म होता है, एक अंदरूनी ताकत मिलती है और मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। धन्यवाद। बड़ा बड़ा मज़ा आएगा, बूम बाम होगा और लोग चाहेंगे कि मुझको बार बार लगातार देखें, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अब मुझे लगता है समय आ गया है कि हम धूम मचाएं। हाँ, मुझे उसका लुक बहुत ही रॉयल लगा और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगे शिल्पा जी की और अनु कपूर जी के।